guys, it's me Ria and welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to be sharing with you all my Amazon festive haul. So recently while I was scrolling through Amazon, I did find some very unique ethnic outfits. तो usually क्या होता है ना, मैं कुर्तेज दिखाती हूँ, सलवार सूट्स दिखाती हूँ, तो इस बार ही मुझे थोड़े से यूनिक एथनिक आउटफिट्स मिले हैं. तो देर आर फोर ऑफ दीज आउटफिट्स विच आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू इन टुडेस वीडियोस. सो या इफ यू वांट टू सी व्हाट ऑल थिंग्स आई गॉट देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग. सो द फर्स्ट आउटफिट इज द वन दैट आई एम करंटली वेयरिंग नाउ. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल बेबी पिंक कलर्ड आउटफिट एंड दिस इज लाइक अ फुल लेंथ गाउन, ओके. और उसमें ही साथ में दे हैव दिस अटैच्ड दुपट्टा राइट हियर अलॉन्ग विद दिस लिटिल बेल्ट राइट हियर. तो मैं पूरा आपको यू नो ट्राई ऑन पार्ट में दिखा दूंगी हाउ इट लुक्स लाइक. बट बेसिकली दिस इज लाइक अ फुल लेंथ फ्लोई एथनिक गाउन एंड इसका जो टॉप सेक्शन ही पे थोड़ा सा वर्क दिया हुआ है, लाइक यू कैन सी इट कम्स विद दिस काइंड ऑफ अ हाफ स्लीव आता है. एंड ये थोड़ा सा मुझे लूज है बिकॉज यू नो आई हैव वेरी थिन आर्म्स, बट ठीक है, इट्स कन्वीनियंट. मतलब इसको अगर हम टाइट करने जाएंगे तो उतना it won't look that good, you know. So I prefer this kind of little loose, you know, क्या बोलते हैं arms पे, that's fine with me. And overall ये जो bust area है यहाँ पे इस तरीके के आपको embroidery work दिया हुआ है golden color का. And when you see here, इधर से ये दुपट्टा इस तरीके से pleated दुपट्टा stitched है, ओके. एंड देन यहां पर नीचे इस तरीके का बेल्ट दिया हुआ है एंड दिस बेल्ट इज द थिंग दैट यू नो गिव्स दिस एंटायर आउटफिट दैट टोटली ग्लैम लुक. बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है. इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली आपके टमी पे, थोड़ा सा बस्ट एरिया के एग्जैक्टली नीचे है. सो दैट इज वाई यू नो इट यू नो फ्लैटर्स योर बॉडी स्ट्रक्चर रियली नाइसली, विच आई रियली लाइक. ऑल्सो इसका जो अंदर ये लोग ने अस्तर दिया हुआ है सो इट्स नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. ऑल्सो इसका जो गहरा है, द यू नो काइंड ऑफ फॉल इट हैज, इट्स रियली 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 प्रिटी. सो या दिस इज द फर्स्ट आउटफिट एंड विच यू नो ऐसे आउटफिट्स दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली बाइंग एंड वेयरिंग ऑल्सो, बिकॉज यूजअली मेरे सारे कुर्तेज ही होते हैं या तो मैक्सिमम जाके मैं लाइक अनारकली ले लेती हूँ या वैसा कुछ. बट दिस काइंड ऑफ आउटफिट मैंने आई थिंक अपने शादी के टाइम पे पहना था. ऐसा नहीं मतलब दैट एथनिक गाउन्स जो होते हैं ना वैसे. आई फील फॉर द प्राइस इट्स एन अमेजिंग बाय एंड आई थिंक आपको भी ये जरूर यू नो लेना चाहिए बिकॉज इट्स सो 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 ब्यूटिफुल. सो या दिस इज द फर्स्ट आउटफिट. सेकेंड आउटफिट इज बाय द ब्रांड कॉल्ड पानित एंड ये भी क्वाइट सिमिलर टू दिस वन है. मतलब इसमें भी अटैच्ड दुपट्टा आता है बट आई रियली लव द कलर ऑफ दिस वन ऑल्सो. बहुत ही ब्यूटिफुल सा इंग्लिश कलर जो बोलते हैं ना वैसा है. सो दिस इज द ब्यूटिफुल एथनिक गाउन, ओके. लाइक यू कैन सी हियर इसके भी जो चेस्ट एरिया है वहीं पे इस तरीके का आपको सीक्वेंस का यू नो काम दिया हुआ है एंड इसका स्लीव्स इज फुल स्लीव्स. ये स्लीव्स अकॉर्डिंग टू माय बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे ये लूज लग रहा है सो आई माइट हैव टू यू नो ऑल्टर इट. एंड ऑल्सो इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा है तो वो थोड़ा सा मुझे स्लीव्स पार्ट थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे आपको साइड पे जिप दिया जाता है सो नो बहुत ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है पहनने के लिए भी. तो या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड इस तरीके का नेट का ही आपको कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा दिया है. नेट के दुपट्टे में भी इस तरीके का आपको देख सक रहे हो सीक्वेंस का काम दिया हुआ है. सो ये दुपट्टे को आप ये जो बेल्ट है उसके अंडर भी डाल सकते हो या बाहर भी रख सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू कैरी इट बेसिकली. एंड अगेन दिस इज लाइक अ फुल लेंथ एथनिक गाउन, नीचे टोटली प्लेन है एंड इसके भी अंदर अच्छे से अस्तर दिया हुआ है सो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं लगता है. बट या दिस इज द नेक्स्ट आउटफिट एंड आई एब्सोल्युटली लव हाउ ब्यूटिफुल दिस इंग्लिश कलर इज. यूजुअली यू नो एथनिक वेयर में इस तरीके के कलर्स आपको ज्यादा दिखते नहीं है, दैट इज वाई आई थॉट ऑफ बाइंग दिस एंड आई एम सो हैप्पी आई गॉट दिस बिकॉज इट्स रियली ब्यूटिफुल. अपार्ट फ्रॉम द लिटिल ऑल्टरेशन दैट आई हैव टू डू इन द स्लीव्स, आई थिंक बहुत ही ब्यूटिफुल है आउटफिट ये भी. सो या दिस इज द नेक्स्ट वन. द थर्ड आउटफिट इज बाय द ब्रांड कॉल स्पन और स्पन के कुर्तेज एक्चुअली थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं. दैट इज वाई आई नेवर रियली यू नो बॉट स्पन के कुर्तेज बिकॉज वो मोस्टली अबाउट 1000 ही होते हैं.
एंड बेसिकली मुझे वो उतने वर्थ नहीं लगते थे. ओके, फॉर अ कुर्ता टू पे 1000 के ऊपर इज आई वुडन से वर्थ उतना. बट आई फाउंड दिस ब्यूटिफुल आउटफिट एंड ये एक्चुअली वन पीस ही है. सो इफ आई शो यू, लेट मी जस्ट शो यू द पिक्चर फर्स्ट सो यूल गेट एन आइडिया. सो दिस इज व्हाट द पिक्चर लुक्स लाइक. ठीक है, तो इसमें ये तरीके का आपको कुर्ता मिलता है और नीचे ही इसमें स्टिच्ड स्कर्ट भी है. ओके, तो दैट इज वाई यू डोंट हैव टू वेयर अनादर चूड़ीदार या कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है. हाँ है कि इसमें आपको एक दुपट्टा लेना हो अगर इफ यू वॉन्ट यू हैव टू बाई इट सेपरेटली बिकॉज दिस इज जस्ट अ कुर्ता. ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू द कुर्ता. इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रीन कलर और इस पे भी नेक पे इस तरीके का ब्यूटिफुल सा सीक्वेंस और गोल्डन थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी का काम दिया हुआ है लाइक यू कैन सी हियर. और इस तरीके का दो डोरी दी हुई है एंड ये डोरी में भी छोटे से टैसल्स लगे हुए हैं और इस तरीके का गोल्डन ये है. ओके, सो दिस इज जस्ट कुर्ते पे ही इतना काम दिया हुआ है, अदरवाइज ओवरऑल इस तरीके का ही फैब्रिक है. ओके, एंड स्लीव्स इज 3/4 एंड दिस इज द काइंड ऑफ वर्क गिवन ऑन द स्लीव्स ऑल्सो. आगे पीछे द थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस कुर्ती इज दैट इसका क्वालिटी, इसका फैब्रिक इतना थिक है. ओके, थिक इन द सेंस इट्स नॉट लाइक गर्मी वगैरह नहीं होगा आपको इसमें. इट्स नाइस एंड क्या बोलते हैं, एकदम अच्छी क्वालिटी मुझे लगा इसका फैब्रिक. सो या दिस इज ओवरऑल हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है, एंड नीचे इस तरीके का आपको स्कर्ट देते हैं. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू रियली वेयर अनादर चूड़ीदार या कुछ भी आपको इसके नीचे पहनने की जरूरत नहीं है. बस एक दुपट्टा आप कैरी कर सकते हो. दुपट्टा भी यू कैन ईदर गो इन कॉन्ट्रास्ट जैसे रेडिश पिंक ये जो काम दिया हुआ है आप देख सकते हो इसमें जा सकते हो या प्लेन कोई गोल्डन दुपट्टा पहन लो तो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा. सो या दिस इज द थर्ड आउटफिट. एंड द लास्ट आउटफिट इज द वन दैट आई बीन सर्चिंग सिंस अ रियली रियली लॉन्ग टाइम बिकॉज मेरे को एक है ना पर्टिकुलर व्हाइट अनारकली चाहिए था खुद के लिए एंड आई एम सो हैप्पी आई फाउंड दिस. सो दिस इज बाय द ब्रांड कॉल्ड इंडियन विरासत. ओके, एंड दिस इज लाइक अ प्लेन व्हाइट अनारकली ड्रेस. ओके, वेरी लॉन्ग लाइक फुल लेंथ ड्रेस है ये बट इट्स नॉट एग्जैक्टली प्लेन. आप क्लोजअप में दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा अगर आप देख पाओ बीच बीच में है ना इस तरीके का आपको गोल्डन का क्या बोलते हैं सेल्फ वीविंग डिजाइन है इसमें. ओके, सो ओवरऑल दिस इज लाइक अ प्लेन, कोई पैटर्न नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है इस पे, बस ऐसा ही प्लेन अनारकली व्हाइट आउटफिट है. नाउ द रीजन व्हाई आई वांटेड अ व्हाइट अनारकली इज आई टेल यू बिकॉज मेरे पास है ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल वो पद्मावत के टाइप का वो जो एक चेन आता है ना लेयर्ड वाला चेन वो मेरे पास है. तो आई वांटेड लाइक अ प्लेन आउटफिट जिसपे मैं वो पेयर अप कर सकूं. सो दैट इज व्हाई ये मैंने लिया एंड इसके ऊपर आई एम गोइंग टू यू नो पेयर इट अप विद माय पद्मावत वाला टाइप का नेकलेस, पर्ल नेकलेस एंड इसके साथ आई विल बी यू नो यू ये वाइट है सो इसके साथ आप कोई भी कलर का दुपट्टा ले लो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज चाहिए तो आप वेलवेट का दुपट्टा ले लो इस पर या बांधनी का दुपट्टा ले लो, प्लेन नेट का भी अच्छा लगेगा. एनी टाइप ऑफ दुपट्टा विल लुक ब्यूटिफुल ऑन दिस. तो ये ऐसा एक व्हाइट आउटफिट आई मीन एक व्हाइट अनारकली आई फील इज वेरी एसेंशियल इन योर वार्डरोब बिकॉज यू नो यू कैन लाइक स्टाइल इट इन सो मेनी डिफरेंट वेज एंड थैंकफुली आई फाउंड दिस एंड आई एम सो सो हैप्पी. ये प्रॉपर कॉटन में आता है सो इट्स वेरी कम्फर्टेबल. तो ये थोड़ा सा है ना हल्का सा मुझे ये ट्रांसपेरेंट लगा. ओके, बट इट्स नॉट इतना ट्रांसपेरेंट दैट यू हैव टू वेयर अ सेपरेट इनर, वैसे उसकी जरूरत नहीं है. जस्ट मेक श्योर दैट वट एवर अंडर गार्मेंट्स यू आर वेयरिंग इज अकॉर्डिंगली सो दैट इट्स नॉट लाइक पॉपिंग आउट. दैट्स द ओनली थिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली रियली लव दिस कुर्ता. बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बहुत ही ब्यूटिफुल है और इसका भी जो घेरा है ना घेरा में भी आप अंदर से देख सकते हो इस तरीके का गोल्डन लाइनिंग दिया हुआ है. सो आई रियली लव द फॉल ऑफ दिस आउटफिट. बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है एंड आई फील दिस काइंड ऑफ वाइट आउटफिट आपके वार्डरोब में डेफिनेटली होना चाहिए. सो या गाइज, दोज वर द फोर एथनिक आउटफिट्स दैट आई रिसेंटली गॉट फ्रॉम अमेजॉन. आई होप दिस टाइम यू डिड
see some variation in the kind of ethnic outfits that I choose. And especially even I am so surprised to find these outfits at such affordable rates. So yeah, if you do like any of these outfits, make sure to check the description box. वहाँ पे मैंने इस सब के डायरेक्ट लिंक्स दे दिए हैं. Also guys, Amazon का फेस्टिवल सेल करंटली चल रहा है, so every day there is some or the other new discounts going on. So इसी का आप ज़रूर फ़ायदा प्लीज़ उठाइए. So yeah, that's it for this video guys. I will see you soon in my next video. Until then, bye bye.